असल में ये बाइक सिर्फ 12 किलोमीटर का एवरेज ही देती है। बात करें अगर इस कलर की, तो इस कलर के लिए आपको एक्स्ट्रा 30,000 पे करना पड़ता है। इंडिया में ये सबसे सस्ती बाइक है। वो ये बाइक वैसे आपको रोड पर काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि मतलब ये जो रेड रोस्टर वाले एग्जॉस्ट है, तो उनका आपको एक बार मैं साउंड सुनाता हूँ। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू कॉन्टिनेंटल GT 650, जो कि भाई यहाँ आप देख सकते हो कॉन्टिनेंटल GT 650 650 की बाइक आती है। इसके अंदर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन है वो देखने को मिलता है। तो भाई इसका इतना बड़ा इंजन है जिसके साथ हमारी भी जलती है, एंड साथ साथ में इसके रिएक्शन से लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा जलती है। अब वो इसलिए क्योंकि देखो इसके अंदर इतना बड़ा इंजन है, तो हीटिंग इशू इस बाइक के साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। बट इसकी जो रोड प्रेजेंस है नेक्स्ट लेवल। दोस्त कॉन्टिनेंटल GT 650 ये बाइक आपको रोड पर काफ़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है तो कोई ख़रीदता नहीं है। इस बाइक की प्राइस बता देता हूँ, ये है आपको ऑन रोड पड़ेगी 4,23,000 अभी प्रेजेंट टाइम में। करें अगर इस कलर की, तो इस कलर के लिए आपको एक्स्ट्रा 30,000 पे करना पड़ता है, इसलिए हमें 4,23,000 की पड़ी। बाकी नॉर्मल में आप समझ सकते हो कि 4,00,000 के अंदर ये बाइक आ जाती है। अब हालांकि लोगों को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखो ना, ये सबसे सस्ती बाइक है। क्योंकि देखो लोगों को एक्चुअली में, ये जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनमें भी शायद काफ़ी कम लोगों को पता है कि कैफे रेसर एक्चुअली में है क्या। तो ये एक बाइक का सेगमेंट आता है, जैसे गाड़ियों में भी हमारे जो सेडान हैचबैक एसयूवी सेगमेंट आता है, उसी तरह से ये एक सेगमेंट है कैफे रेसर, जो कि भाई इंडिया में अभी के टाइम पे सबसे सस्ती बाइक है, जो 4,00,000 में 650 cc का इंजन प्रोवाइड करती है एक कैफे रेसर बाइक। एंड इसीलिए ये इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। मतलब इंडिया में जितनी बनती है ना, उसका 70% इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। 4,30,000 की बाइक हमें वैसे उस टाइम पे पड़ी थी, एंड हमने इसके अंदर जब एसेसरीज वगैरह लगाई आफ्टर मार्केट वाली, तो हमें पूरी भाई 5,00,000 तक इसकी कॉस्ट चली गई। जिसके अंदर आप देखोगे आपको जो रेड रोस्टर वाले जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो आप बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो, हाथ तो मैं नहीं लगाऊंगा ना, चिपक ही जाएगा। एंड इसके जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा आता है, तो अभी आपको वो भी सुनाएंगे। एंड आप देख सकते हो ये इसका आपको कुछ इस तरह का जो टैंक है वो देखने को मिलता है। तो देखो ये टैंक दिखने में सबसे प्यारा इसमें यही लगता है, एंड इस पर सबसे ज़्यादा वेटिंग भी रहती है। आपको करीबन इस कलर के लिए 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा। इस टैंक के ऊपर हमने PPF करा रखी है, तो जो भी स्क्रैचेस वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सिर्फ उस PPF के ऊपर ही है, टैंक के ऊपर नहीं है। बाइक के टोटल वेट की बात करें तो आपको 214 किलो इसके अंदर वजन देखने को मिलेगा, जो कि इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लोग बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो, अब इतना बड़ा इंजन आपको देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली यार वेट तो उसमें होगा। एंड इस बाइक में आपको भाई मतलब 100 में से 90% आपको इस बाइक में लोहा ही लोहा मिलेगा। प्लास्टिक आपको काफ़ी कम मिलेगा। प्लास्टिक आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ें होगी, जैसे यहाँ पर आपको मिल गया, एंड यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह होगी, टर्न इंडिकेटर हो गए, तो बस इन्हीं जगह पे आपको प्लास्टिक मिलेगा, बाकी पूरी बाइक में आपको लोहा ही लोहा मिलेगा। एंड सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने 2022 में परचेज़ की थी, जहाँ पे उस टाइम पे इसमें हलोजन वाले हेडलैम्प आते थे, लेकिन अगर आप 2023 वाला वेरिएंट लोगे तो आपको LED वाले हेडलैम्प मिलते हैं, उसमें DRL भी आ जाती है। बट हमने आफ्टर मार्केट इसमें जो माइनस वाली LED है वो लगाई, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मैं तो आप लोगों को भी कहूँगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ गो फॉर इट। देन आप देखोगे यहाँ पे आपको ये जो इसका फाइबर का जो मड गार्ड है वो मिलता है, एंड ये जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको मिलेंगे। ये इस तरह की जो हैजार्ड लाइट है आपको 2023 वाला जो वेरिएंट है उसमें मिल जाते हैं, बट इसके अंदर हमने एक एसेसरीज इंस्टॉल करवा रखी है, ये आप देखोगे, तो इसकी वजह से हमारे पास हैजार्ड्स में भी काफ़ी सारे जो मोड है वो आ जाते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे इतना बड़ा आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, एंड ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। एंड मैंने काफ़ी बाइक में जो कैसेज है वो देखेगी, ये जो नंबर प्लेट है इसकी प्लेसमेंट उनको थोड़ी अजीब लगती है, वो यहाँ पे टच होती है, बट सीरियसली 1 साल से हम इस बाइक को यूज़ करें, हमारे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब क्योंकि भाई इस बाइक में 650 cc का इंजन है, तो आप सबसे पहले तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, देखने में कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड यहाँ पे 200 तक मार्किंग है, तो 160 तक ये आराम से चला जाता है, पर उसके बाद में आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उससे ऊपर भी जा सकती है पर आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हमने इसको सिर्फ 160 तक ही चलाया। एंड यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलेगा, एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिजिटली शो होगी, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रिप और किलोमीटर वगैरह बताए थे, एवरेज इसमें नहीं बताता। बाइक के अंदर आपको टोटल भाई 214 किलो के समथिंग है पूरा वेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है ना, ये इसका प्लास्टिक का आता है, बाकी भाई हर जगह आपको मेटल मिलेगा। एंड ऑयल कूल्ड आपको इसके अंदर जो इंजन है वो देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको जो रेडिएटर है वो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑयल आता है, इंजन ऑयल आता है, ठंडा होता है एंड वापस इंजन में जाता है, एंड कुछ इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है। तो दोस्त अब जिस चीज़ के लिए इसके अंदर हमने 20,000 की एसेसरीज डलवाई है, मतलब ये जो रेड रोस्टर वाले एग्जॉस्ट है, तो उनका आपको एक बार मैं साउंड सुनाता हूँ। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं इग्निशन को, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार न्यूट्रल है कि नहीं। अभी यहाँ पे आएगा तो बाइक अपनी न्यूट्रल है, एंड अपना जो किल स्विच है वो भी ऑन कर दिया। देन अभी मैं इसको रेव करता हूँ,
सीरियसली यार, मतलब वीडियो में आप इस साउंड को जस्टिस नहीं कर सकते। एंड जो इस बाइक को चलाएगा ना, इस साउंड का मजा सिर्फ उन्हीं को आने वाला है, एंड बाकी जो भाई देखेंगे ना उनकी सिर्फ जलने वाली है इससे। तो इसका स्टोक एग्जॉस्ट है ना भाई, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लेकिन देखो अपनी अपनी चॉइस, आप जो भी चूज कर सकते हो। अब काफी लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुमने 4.5 लाख रुपए दिए और तुम्हें एक बाइक लेके आए, इससे अच्छा एक गाड़ी ले आते हैं फोर व्हीलर सेकंड हैंड में, तो शायद वरना या क्रेटा जैसी गाड़ी आ जाती भाई। वो देखो शौक की बात है, हमको ये पसंद थी इसलिए हमने ये ले ली। अब भाई आने को इस 4 लाख की प्राइस में आप वैगनार, क्रेटा या वरना जैसी कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते थे, पर एक तो आप वो रोड पर लेके निकलो, कोई आपको देखने वाला नहीं है, एंड इसको लेके निकलोगे इसके काफ़ी अच्छे रिएक्शन आते हैं। उसकी जो क्लिप्स है वो भी मैं स्क्रीन पे वैसे डाल दूंगा। एंड भाई देखो शौक शौक की बात है, आप ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई देखो वैगनार ये हम एसी के अंदर चलेंगे, हमारे पास 4 पहिए वाला साधन है, उसके अंदर पीछे भी काफ़ी लोग बैठ जाएंगे, सामान भी ले जा सकते। पर देखो भाई शौक शौक की बात है, शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके सामने कुछ भी नहीं होता। तो दोस्त ये था अपना कॉन्टिनेंटल GT 650 का ओवरऑल रिव्यू। तो बाइक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो का आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।